वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, जो कि होने वाला है हमारा करीना कपूर खान का जो ये लुक है, ये मुझे क्रिएट करना है। इट इज रियली सिंपल एंड मुझे वही लुक चाहिए, क्योंकि मुझे इस लुक का कुछ काम करना है। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज देखा होगा, मैंने बताया है कि मैं आजकल बैठ के हॉल वीडियोस कर रही हूँ एंड थोड़े से ट्रांजिशन वीडियोस कर रही हूँ। सो उसके लिए मुझे ये वाला लुक चाहिए। सो लेट्स सी कि कैसा होता है। सो सबसे पहले मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, बिकॉज मुझे ग्रीन आईज चाहिए। या तो मैंने मिराज ग्रीन पहनना है या तो हिमालयन ग्रीन, बट आई विल डिसाइड। दोनों साइड में एक एक करके पहनूंगी, देखूंगी कौन सा वाला अच्छा लगेगा उस लुक के साथ। तो अगर आपको नहीं पता है, हमारे चैनल पे अब भी गिव अवे चल रहा है। सो अगर आपको रूल्स नहीं पता है, तो मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके चेकआउट कर देना। उस पे सारे रूल्स बताए गए हुए हैं और क्वेश्चन भी बताए गए हैं। बहुत सिंपल है, कोई भी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर गिव अवे नहीं है। तो उसके रूल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो चलो चालू करते हैं मेकअप ट्यूटोरियल। ऑलराइट, सो हमने लेंसेस पहन लिया है। मैंने मिराज ग्रीन लेंसेस पहनना है एंड यू कैन सी कितना स्टनिंग लग रहा है ये। तो मैंने प्राइमर स्किप किया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच प्राइमर आई यूज और किस लिए मैं यूज करती हूँ। जो प्राइमर मैंने अभी लगाया है, किस लिए यूज करती हूँ। लास्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन था, आज कुछ और है। कि लास्ट वीडियो में जो मैंने प्राइमर यूज किया, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि किस लिए मैंने यूज करा और क्यों यूज किया है। और सेकेंड क्वेश्चन बाद में आएगा, हर गिव अवे में तीन क्वेश्चन होंगे। सो अभी मैं लगा रही हूँ फाउंडेशन। दिस इज बाय आई मैजिक का फाउंडेशन है एंड आई रियली लव दिस। सो इट इज इन द शेड बफ बेज। तो इसका मैं एक पंप ले रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है। तो एक्साइटिंग गिव अवेज रख रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता चले और गिव अवे में क्या होने वाला है वो सुन के तो आप लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। एंड आई एम श्योर कि आप लोग यकीन नहीं करोगे कि इस बार गिव अवे में क्या होने वाला है। तो उसके लिए, जानने के लिए कि आज के गिव अवे में क्या होने वाला है, आपको वीडियो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में मैं कभी भी बोल सकती हूँ कि गिव अवे का विनर जो भी होगा उसको क्या मिलेगा। और आपको तो रूल्स पता ही है, जो लोगों को पता है और उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उन लोगों को पता है कि गिव अवे के रूल्स क्या है। और अगर आप नए हो और अगर आपको नहीं पता है कि गिव अवे के रूल्स क्या है, तो आप प्रीवियस लिंक जो मैंने आपको दिया है प्रीवियस वीडियो का, उसका लिंक आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उस पर सारी चीजें बोले गए हैं। अगर आपको फर्स्ट गिव अवे में भी पार्टिसिपेट करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है हर। तो मैं ये वाला फाउंडेशन लगा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। ये बहुत ही ज्यादा फुल कवरेज फाउंडेशन है, तो इसलिए मैं इसका थोड़ा थोड़ा लेके लगा रही हूँ, ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ज्यादा अभी नहीं चाहिए। सो आज का जो लुक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। आप लोगों के साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों को कुछ कपड़े ज्यादा पसंद आया हो और वो आपके साइज के नहीं है। दो वो आपके साइज के होना चाहिए बट है नहीं। सो मैं आपको बताती हूँ कि क्यों मैं ये बोल रही हूँ। सम ऑफ यू गाइस वोंट बी इंटरेस्टेड इन हियरिंग माय स्टोरीज, बट मेरी जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ झंड चीजें होती रहती है, तो इसलिए मुझे शेयर करना आप लोगों के साथ पसंद है। तो मैं बताना चाहती हूँ आपको, मैंने रिसेंटली, अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखा था, तो सीक्वेंस साड़ी मैंने मंगवाया था और उसका मैंने हॉल भी बनाया है। बट उसमें एक ड्रॉबैक था कि भाई साहब उसकी पल्लू छोटी थी। अदर देन दैट वो सारे सही थे, बट उसका लेंथ मेरी हाइट के हिसाब से छोटी थी एंड इट वॉज बॉदरिंग मी सो मच कि इतना प्यारा साड़ी है और वो छोटी क्यों है। क्योंकि वो मैंने मिंत्रा से मंगवाया था, उसका हॉल भी अगर आपको देखना है तब जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने डाला है लिंक, आपको मेंशन कर दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे बहुत गुस्सा आया, इतना ज़्यादा इरिटेट फील कर रही थी, मैं पूछो मत, तभी कंसीलर लगाऊंगी। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, आप मुझे ज़रूर बताना। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता है कि ऑनलाइन अगर मैं शॉप कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब तो होते ही है, या कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट आता ही है मेरे साइजेस में। तो आपको हमेशा जब भी कुछ ऑर्डर करना हो तो
अच्छे से देख के कि कितना उनका लेंथ है क्या नहीं है वही करना चाहिए। और आज के बाद तो मैं भी वही करूंगी क्योंकि साड़ी बेसिकली मेरे साथ यही होता है, मैं जब भी साड़ी लेती हूँ तो कभी उसके लेंथ के प्रॉब्लम आता है, कभी कुछ बेसिकली लाइक लेंथ में ही प्रॉब्लम आता है और कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग एक्साइटिंग चीज़ें डालने लग गई हूँ और इवन मेरे को खुद भी हंसी आने लग गई है कि भाई मैं कर क्या आ रही हूँ, बट मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। ईबा कॉस्मेटिक का पिंक ऑल टाइम पिंक ब्लश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें ब्लश चाहिए पिंक पिंक, क्योंकि हमारे मैडम जो है वो थोड़ा सा पिंकिश पिंकिश है और हम नहीं है, तो हम ये लगाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा। अगर आपको पिगमेंटेड चीज़ें पसंद नहीं है तो मत लीजिए, अगर आपको पसंद है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये क्लीन ब्लश है, आप इसको एज अ लिपस्टिक एज अ ब्लश दोनों यूज़ कर सकते हो। तो इसका भी हम ब्लेंड करेंगे अपने ही ब्यूटी ब्लेंडर से जो हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इसी को ब्लेंड करूँगी अपने ब्लश को। तो हु इज़ एक्साइटेड फॉर द गिव अवे एंड हु इज़ ट्राइंग टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर मुझे ज़रूर बताना। बट मेरे लिए आजकल काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो बी रियली ऑनेस्ट मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, ना मेरा टाइम से खाना हो रहा है, ना मेरा टाइम से सोना हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, आई एम वर्किंग हार्ड, आई होप इट पेज ऑफ, बट लेट्स सी। क्योंकि मैं ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कंटेंट बनाने का, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो चाहे वो इंस्टाग्राम के लिए हो, एंड आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ के इतना सारी चीज़ें मैं बैठ के अपने आप से बैठ के कर रही हूँ, सो आई लव इट। तो ये हो गया हमारा ब्लश, थोड़ा सा भी ज़्यादा लग रहा है मेरे को, बट ऑन द कैमरा नहीं लग रहा है बट मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, एंड बेस भी बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस हो रखा है। सो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, फिर उसके बाद ही मैं अपना कंसीलर ब्लेंड करूँगी एट द एंड। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ब्यूटी ब्लेंडर है, सुपर सॉफ्ट। तो आप मुझे बताएं आप लोगों ने, आप लोग क्या करते हो और अभी क्या कर रहे हो? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप अभी कर क्या रहे हो? जैसे मैं तो मेकअप कर रही हूँ, आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, और यहाँ पर भी मेरी विंडो ओपन है तो सामने वाले देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि पता नहीं बोल रहे अभी किसके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप के साथ बैठ के ये बतिया रही है। तो इस ब्यूटी ब्लेंडर को आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटा करके इसको ब्लेंड भी कर सकते हो इसके साथ अपने कंसीलर को, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल है। तो मुझे अपने आईज पे भी लगाना है, लाइक इट्स ऑल इन वन। कुछ ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं जो छोटे छोटे पोर्शंस पे नहीं जाते हैं, बट ये वाला जाता भी है। तो आज का बेस हम रखने वाले हैं रियली मिनिमल और क्रीमस, क्योंकि ये एक करी बेबो का जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमल होता है, बट अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी उतनी अच्छी स्किन नहीं है उनकी तरह, तो हम थोड़ा सा उसको फिर भी कोशिश करेंगे कि मिनिमल हो। सो मैंने जो मेकअप करना है उसमें मुझे नहीं पता है कि मेरा काजल कैसे सेट होगा, बिकॉज अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताऊं कि मुझे काजल थोड़ा सा लगाऊंगी ना काजल तो मेरी आईज इरिटेशन करना चालू हो जाता है, एंड शी बेसिकली वेयर्स अ लॉट ऑफ काजल इन दैट लुक। ट्राई कि मेरे को रोना ना आ जाए, देखो अभी मैंने काजल का बस नाम लिया और मुझे रोना आ रहा है, ओह माय गॉड। तो ये हो गया हमारा बेस, दिस इज अफोर्डेबल एंड एज वेल एज गिव्स यू द कवरेज दैट यू नीड। ओके, सो गिव अवे का जो ये वाला गिव अवे विनर होने वाला है, उसका जो प्राइस होगा, जो उसका गिफ्ट होगा, वो उसको क्या मिलने वाला है, वो बस थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे अपना ये लूज पाउडर लगाने दो, तभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला है। और ये सुन के तो आप बोलोगे कि दिया आपने दिल खुश कर दिया, एंड लिटरली मैं आप लोगों का दिल सच में खुश हो जाएगा। इसका गिव अवे का जो प्राइस होने वाला है उसके बारे में सुन के
हमने लूज पाउडर लगा रहे हैं। इस बार मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ, मैं बस इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि ये सारा सेट हो जाए, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है, अभी भी मुझे पसीना बहुत आ रहा है जस्ट बिकॉज मैंने फैन ऑफ किया है। और दिल्ली में गर्मी भी हो नहीं हो रही, ठंड हो रही है, बट स्टिल मुझे ना गर्मी लग रही है। वीडियोस के चक्कर में मुझे बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि लाइट के पास हम जब होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। तो पूरे फेस को मैं सेट करूँगी। अगर आपके ऑयली फेस है तो आप पूरे फेस को सेट करें। मेरे साथ बेसिकली क्या होता है कि इस टाइम पे मेरा फेस जो होता है वो थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, मेरे साथ उल्टा होता है। विंटर्स में जो है मेरा फेस ऑयली हो जाता है और समर्स में जो है नहीं होता है, समर्स में ड्राई रहता है, जो कि बिल्कुल ही उल्टी सीन है। हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई कैमरे का सेटिंग ठीक कर करके। अभी हमारा बेस हो गया है, अभी हम क्रिएट करने वाले लुक विद दिस नॉटी पैलेट बाय हुदा ब्यूटी। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ओ माय गॉड, इट इज सुपर स्टनिंग, सुपर अमेजिंग। सो आई एम गोना यूज दिस ब्राउन शेड फ्रॉम दिस पैलेट, ये वाला ब्राउन शेड यूज करूंगी। तो जैसे कि मैं बता रही थी कि जो भी विनर होने वाला है इस गिव अवे का, उसका गिफ्ट मैं बताने वाली हूँ कि उसको क्या मिलेगा एज अ गिफ्ट। सो आप लोगों को मिलेगा हुदा ब्यूटी का नॉटी पैलेट। यस, आपने सही सुना, आप जो भी होंगे, जो भी गिव अवे का विनर होगा इस वीडियो का, के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पुराना जो वीडियो है जिसमें मैंने गिव अवे के रूल्स बताए गए हैं वो फॉलो करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गिव अवे के हर वीडियोज़ है वो आपको देखना है, क्योंकि उसी में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा और उसका जवाब उसी में होगा। सो इट्स बेटर कि आप पहले से वीडियोज़ देखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। और जो विनर्स होंगे उसका जो अनाउंसमेंट होगा वो सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर होगा। तो ये हो गया मेरा आई शैडो, और इसी पैलेट में से मैं ये वाला गोल्डन शेड यूज़ करूँगी। दिस गोल्डन शेड मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। अब भी कुछ लोग बोलेंगे कि जो आपने यूज़ किया है ये वही वाला पैलेट हमें मिलेगा, नहीं आपको न्यू पैलेट मिलेगा, आपको ये वाला पैलेट नहीं मिलेगा जो मैं यूज़ कर रही हूँ, आपको नया ही पैलेट मिलेगा। मुझे यूज़ करे हुए चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है लोगों को देने के लिए, तो आपको न्यू पैलेट एज अ गिव अवे विनर उनको गिफ्ट में मिलेगा। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल मेकअप। मैंने कभी भी इतना नॉर्मल मेकअप तो करा भी नहीं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप लोग मुझे जानते हो तो। तो अभी हम लगाएंगे काजल। तो काजल के लिए सबसे पहले ऊपर पोर्शन में हम काजल लगाएंगे, वो बेस को फिर घिसना है। ये वाला काजल, ओह फक, ये वाला काजल मैं पहले लोअर लैशेस पे लगाऊंगी। ओके, दिस वन इज प्रिटी, दिस वन इज बाय स्विस ब्यूटी, आई रियली लव दिस काजल। यू कैन सी कितना पिगमेंटेड है, एक आंख में सही लग जाता है दूसरे में नहीं लगता है, क्योंकि मुझे इरिटेशन होती है। वाला काजल है ग्लैम विस्टा का, और इसको मैं स्मज आउट करूंगी बाद में। आजकल दो क्वेश्चन हो गया या सिर्फ एक ही हो गया है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि दो हो गया या एक हो गया। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आप लोगों से। सो दूसरा क्वेश्चन ये है, जो लास्ट वीडियो में मैंने आई शैडो पैलेट यूज किया था वो कौन सा था? आपका फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस कौन है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एक मेरी फेवरेट एक्ट्रेस जो है करीना कपूर है, और दूसरी जो है वो है सोनाक्षी। उसका तो अलग ही एटीट्यूड लेवल होता है, सो दैट्स द थिंग आई लव हर सो मच, द वे हर बॉडी इज एंड जैसे वो अपने आप को शो करवाती है ना, अरे रे लवर। सो अच्छे से क्वेश्चंस को सुनना है, क्योंकि आपको बाद में इसी ट्यूटोरियल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे दूसरे गिव अवे के लिए। और सारा गिव अवे जो होने वाला है ना, सारा मेकअप बेसिस ही होने वाला है। सो अभी मैं मस्कारा लगाऊंगी, और ये है मेबलिन का स्काई मस्कारा, और दिस वन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। एंड अभी हम बताएंगे गिव अवे का थर्ड क्वेश्चन,
जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को, अगर मेरे को जानते हो तो बहुत टाइम से आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे बोला भी है, इसको मेंशन भी किया है, मेरी जर्नी एज अ कंटेंट क्रिएटर कैसे हुई है ये मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया है। इसके बारे में बात भी किया है कि कैसे मैंने स्टार्ट किया है। तो ये है गिव अवे का थर्ड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कि मेरी जर्नी एज अ क्रिएटर कैसे स्टार्ट हो गई एंड मैंने ट्यूटोरियल्स और ये सब चीज़ें बनाना कब चालू किया। इन सब के जो जवाब है, जो तीनों क्वेश्चंस के जवाब है, आपको नीचे बताना है। और प्रीवियस वाला जो वीडियो है जिसपे गिव अवे के रूल्स बताए हुए हैं, वो आप ज़रूर चेक करना। और सबसे मेन बात यही है कि अगर आपको ये लगेगा कि आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप विनर बनोगे, ऐसा नहीं होता है। जो लोग सच में फॉलो करते हैं गिव अवे के रूल्स, वही ही जीतेंगे। और हम बैठ के चेक भी करेंगे कि कौन है जो एक्टिव है और कौन है जो वही रूल्स करे और वही सही जवाब दे रहे हैं। आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई है, जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे कि आपसे बिल्कुल उल्टा ही अपोजिट होंगे, टॉम बॉय टाइप होगा? जैसे मेरे साथ क्या है कि मैं फुल सच धज के रहने वाली हूँ, सेम विद माय बेस्ट फ्रेंड, शी इज लाइक अ टॉम बॉय। नाउ शी हैज चेंज अ लिटिल बिट, बट ये पहले टॉम बॉय हुआ करती थी एंड दैट वाज द थिंग जो मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती है। एंड आई रियली लाइक हर एंड आई रियली लव हर सो मच। And she is actually someone जिसके पास जाके मुझे calmness मिलता है। चलो बहुत हो गया emotional अत्याचार। So blush के लिए मैं use कर रही हूँ Dior का blush in the shade 047 Miss। It's a really pretty blush। So मैं इस brush के साथ लगाऊंगी। Tap off the excess। इसका shade बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। And one of my dearest friend has gifted me this and I really love him so much. Thank you so much for gifting me this. I don't know उसको कैसे पता है कि मुझे यही सारे shades पसंद आते हैं and he is really amazing. अगर आपको उसके पेज को फॉलो करना है तो मैं उसका इंस्टा लिंक, शायद आधे से ज़्यादा इंडिया उसको जानता भी होगा, दैट इज द वन एंड ओनली राजीव, क्योंकि वो बहुत ही स्वीट एंड काइंड पर्सन है। ही इज द स्वीटेस्ट, आई एम रियली अडोर हिम अ लॉट। सो अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूंगी। दिस शेड इज सो स्टनिंग। पता नहीं यहाँ पे अभी मेरा मुंह इतना गोरा चिट्टा क्यों दिख रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट लुकिंग फाइन। अभी मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे लिटरली मैं कैमरे में बहुत ही ज़्यादा मुँह कोरा चिपटा लग रहा है, थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाना है मुझे। तो मैं ब्रॉन्जर लगा रही हूँ थोड़ा सा, वो भी टेक्निक का, क्योंकि मुँह जब ज़्यादा कोरा चिट्टा दिखता है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो मैं थोड़ा सा लेके ब्रॉन्जर लगा रही हूँ, सेम ऑन माई चीक्स, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। मैं हाइलाइटर के लिए शेड यूज कर रही हूँ 05 विच इज गोल्ड फ्रॉम माई ओन ब्रांड। आई रियली लव दिस। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी का भी लग कुछ भी हो जाए, मुझे तो हाइलाइटर लगाना ही है। आई रियली डोंट केयर। यू कैन सी हाउ प्रिटी इज दिस। तो हम इसको लगाएंगे अच्छे से। सो लिपस्टिक जाके मैं ऑफ ऑफ द कैमरा लगाऊंगी एंड पूरा लुक कंप्लीट करके देन आपके पास मैं वापस आ रही हूँ। ओके सो गाइस, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द मेकअप। मैंने बिंदी भी लगा लिया, लिपस्टिक भी लगा लिया है, लाल बिंदी लगाया है, बट आई डोंट नो वो लिपस्टिक से लगाया है, बट थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा, बट इट्स ओके। एंड इसको मैंने सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ एंड नोज पिन के साथ पिंक किया है और ये ब्यूटीफुल सी साड़ी है। इसका भी हॉल आने वाला है कि मैंने कहाँ से लिया है, तो गो चेक दैट आउट। एंड यस, आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक फुल एंड फाइनल लुक कम्प्लीट नहीं होता है तो हमारा लुक अच्छे से नहीं आता है। सो दिस इज द फाइनल लुक एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड यस, इंपॉर्टेंट बात कि आप
गिव अवे में पार्टिसिपेट करना मत भूले. आई विल सी यू गाइस ऑन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय. आई लव यू ऑल.